नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार को 12वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए। नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। इस साल कुल 68.81% छात्रों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा को पास किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल 5% कम हुआ है। पिछले साल 72.37% छात्रों ने सफलता हासिल की थी। आर्ट्स की बात करें तो इस साल आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप 5 रैंक लड़कियों ने हासिल की है। खुशी सिंह ने 486 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर मधुलता आत्मजा रही। मधुलता को 479 अंक मिले और तीसरे स्थान पर निकिता पाटीदार रही। निकिता को 474 अंक मिले। वहीं चौथे नंबर पर रियांशी शाकवार रही। रियांशी को 474 नंबर तो पांचवे नंबर पर रहने वाली निराली शर्मा को 473 अंक मिले। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में इस साल 8.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। रिजल्ट जारी होने के साथ ही इनका इंतजार खत्म हो गया है। पिछले साल 15 मई को ही नतीजे जारी कर दिए गए थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से परिणाम घोषित करने में देरी हो गई। देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण 10वीं के 2 पेपर और 12वीं के कुछ पेपर शेष रह गए थे। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था और 12वीं की शेष परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक दोबारा आयोजित की थी। इस साल 10वीं और 12वीं के एग्जाम में करीब 19 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, लेकिन जब नतीजे आए तो लड़कियों ने दबदबा बनाया और टॉपर की लिस्ट में लड़कियों का ही नाम टॉप पर रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।